अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अबू बकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। सो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम एक क्यूबिक चेन रिंग बनाना सीखेंगे, जिसकी तस्वीर आप लोगों को यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे शो भी हो रही होगी, मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी आपको यहाँ पे। तो इस चेन यानी कि इस रिंग को, इस क्यूबिक चेन रिंग को हम आज बनाना सीखेंगे। तो ध्यान से इसको देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि इस तरह की जो ये रिंग है और ये क्यूबिक चेन जो है, इसको बनाने में काफ़ी लोगों को बहुत जगह पे बहुत यानी कि परेशानी आ रही है, और काफ़ी पॉइंट जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहे कि इसको किस तरह से हमने बनाना है। काफ़ी जगह पे वो काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, और इसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ये हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें इसको थोड़ा सा गाइड कर दें कि इसकी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, इसको हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से। तो ध्यान से इसको क्यूबिक चेन को देखिएगा, यानी कि क्यूबिक चेन रिंग जो है इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो भी पॉइंट आप लोगों के जहन में है उसको इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देख के आप लोगों के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग बिना टाइम ज़ाया करें चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और वहाँ जाके जो भी इस यानी कि आप लोगों के जहन में पॉइंट्स है जो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किए, उसको वहाँ मैट्रिक्स के ऊपर जाके हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थ्रो फिंगर में जाऊँगा, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्व में जाके एक सर्कल ड्रॉ करूँगा 16 mm का, F4 दबा के 16 mm, एंटर। उसके बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव में, और प्लास्टिक व्यू पहले कर लेता हूँ। उसके बाद सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे टूल्स में, और यहाँ से ये है प्रोफाइल प्लेसर, इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ एक विंडो खुल जाएगी हमारे पास। तो इस वाले सर्कल को लेके हम इसमें एंटर कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वाला प्रोफाइल आएगा जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो हमने इसको करना है चेंज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे इस जगह पर, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर ये वाला प्रोफाइल लेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या, यहाँ से इसकी पहले विड्थ जो है, ये मोटाई जिसे हम कर रहे हैं, हाइट जो गेज वगैरह, इसको कम करेंगे। इसको हम करेंगे यहाँ से तकरीबन 2.5 mm, ठीक है, ये 2 points, ये ठीक है। उसके बाद इसकी जो विड्थ है ये है हमारे पास 10 mm, इसको हम करेंगे 7 mm, ठीक है, ये यहाँ तक हमारी 7 mm आ गई। यहाँ से कर लें या यहाँ पर लिख लें, कोई मसला नहीं, एक जैसी बात है। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और इसको क्रॉस करके हम जाएंगे सरफेस में, और स्वीप 1, इस पर राइट क्लिक करके दो, ये हमारे पास एक रिंग रेडी होगी, ठीक है। तो अब उसके बाद इन दोनों को, रिंग को भी और प्रोफाइल को, हम ये वाला कलर देके हाइड कर देंगे। अब सबसे पहले हम इसका लेंगे स्क्वैश, लेकिन ये सॉलिड पीस है तो इसका मैं स्क्वैश नहीं लूँगा, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वैश लूँगा तो ये सारी सरफेस जो इसके अंदर हैं, बाहर हैं, इधर हैं, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, अप एंड डाउन जितनी भी सर्फेस हैं, सबका स्क्वैश ले लेगा, उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सॉलिड में जाऊँगा और यहाँ से एक्सट्रैक्ट सर्फेस लूँगा एक, और इस पर क्लिक करूँगा, ये सर्फेस आ गई। इसको मैं ये वाला कलर देके और इसको हाइड कर दूंगा। अब इसका मैं लूंगा स्क्वैश कह रहा हूँ, स्मैश। अब यहाँ पे स्मैश लिखते हैं, ठीक है। स्मैश लिखने के बाद ये है स्मैश, उसके बाद राइट क्लिक, यहाँ से लेबल नो है, लेबल उसके आगे नो लिखा हुआ, इसको येस करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद इसको हम करेंगे यूटिलिटी में जाके सेंटर ऑब्जेक्ट ऐसे, और इसको ये वाला कलर देंगे, और यहाँ पर आके इसको बंद कर देंगे। अब हमने इसका लेना है डुप्लीकेट बॉर्डर, कर्व में जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट बॉर्डर, और अब हम इसको हाइड कर देंगे। ये डुप्लीकेट बॉर्डर हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यानी कि फर्स्ट विंडो में जाएंगे सर की कर्व की, यहाँ से ये एलिप्स लेंगे, F4 दबाएंगे, और यहाँ एक पॉइंट रखेंगे ऐसे इस जगह पे, ठीक है। 3.5 mm इधर है, तो ये 3.5 mm ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको रखते हैं ऐसे, और इसको इतना खोल लेते हैं ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बंद करते हैं ऐसे। उसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर रेक्टेंगल में, और यहाँ से ये लिखा हुआ राउंडेड, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे पॉइंट रखेंगे इसका एस से, ये पॉइंट रखा, और उसके बाद थ्रू फिंगर में गए, और यहाँ जाके जितने भी हमने यहाँ इसकी लंबाई मोटाई जितनी भी करनी है, जैसे कि 2 mm की हमारी इसके लंबाई हो गई, 1 mm इसकी हाइट भी 2 mm हो गई। उसके बाद इसको हल्का सा यहाँ से गोल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और मूव की कमांड से इसको यहाँ पर पकड़ा और यहाँ पर ऐसे मिला दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा इसके सेंटर में ले आएंगे, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही हमारा सेंटर आ गया। और उसके बाद इन दोनों को इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से इसकी गेज भी ये कम कर लेते हैं ऐसे। इसको सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से स्वीप 1 करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक। तो मेरे पास ये सरफेस बन के आ गई, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ऐसे, ठीक है, ये इसके अंदर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल जी करते हैं, राइनो हिस्ट्री ऑन करते हैं, और अब इसको करते हैं स्वीप 1, राइट क्लिक,
ये ऐसे आ गई। अब इसको मैं कलर ये वाला करता हूँ और ये वाला प्रोफाइल सेलेक्ट करके मैं इसको हल्का सा ऐसे ऐसे बढ़ा देता हूँ ये चीज़, और यहाँ से इसकी मैं लंबा चौड़ाई कम करता हूँ पहले, देखते हैं ये चीज़ ऐसे और इसकी, ठीक है ओके। अब हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके कर्व सेलेक्ट करने, इनको हमने ये वाला कलर देना है जो अंदर वाले हमारे कर्व हैं, ये कलर देके हाइट, ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास अब रह गई। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और ट्रांसफॉर्म में जाके सेकंड विंडो, और यहाँ से ट्विस्ट की कमांड लेनी है, ट्विस्ट की जगह ये है ट्विस्ट, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहाँ सेंटर में रखा, दूसरा इसका हमने यहाँ पे ऐसे लुकिंग डाउन में जाते हैं और यहाँ पे रखा इस जगह पे, और यहाँ इसको ले गए। अब हमने करना है 80 लिखते हैं यहाँ पे 80 डिग्री, तो हमारा ये बैंड हो जाएगा 80 डिग्री के एंटर में, ठीक है, ये हमारा यहाँ बैंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, थ्रू फिंगर में जाएंगे, सॉरी साइड व्यू में, और साइड व्यू में जाके रोटेट की कमांड पकड़ेंगे, F4 दबाएंगे और बिल्कुल यहाँ इसका सेंटर में रख के इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, ये चीज़ ये हमारा सीधा हो गया यहाँ पे। अब इसको करते हैं प्लास्टिक व्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक लेंगे बाउंडिंग बॉक्स, सॉलिड में जाएंगे और यहाँ से लेंगे बाउंड बॉक्स और इसको यहाँ रख के ऐसे इतना, और लुकिंग डाउन में जाके इसको ऐसे इतना यहाँ पे ले आएंगे, इस जगह इसको इस जगह पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा इसमें मर्ज किया और इसको दोबारा ऊपर की तरफ हमने ऐसे यहाँ रोटेट कर रहा हूँ मिरर कर दिया। अब अंदर वाले चीज़ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी दबाया, बुलियन की कमान आ गई, इन दोनों को पकड़ा और राइट क्लिक कर दिया। अब राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ये शेप आ गई, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हमारा बुलियन हो चुका, तो हम इसको करेंगे कम, ठीक है, राइट क्लिक, और उसके बाद इसको हल्का सा नीचे करेंगे ऐसे, और अब इसको हम करते हैं कंट्रोल बी और ये बुलियन, ये हो गया। अब हम इसको लुकिंग डाउन में जाके हल्का सा इसको ऐसे भी कर देंगे, ये चीज़ इसकी हम चौड़ाई जो है ये थोड़ी सी कम कर देंगे, तो अब हमारे पास ये शेप आ चुकी है, ठीक है, ये शेप आ गई। उसके बाद अब हम ये थोड़े से नीचे हैं, हम इसको इसके लेवल पर रखेंगे, थोड़ा सा सर कर्व के नीचे रखेंगे ताकि जब सरफेस के ऊपर अप्लाई हो तो ये वाला हिस्सा हल्का सा सरफेस के अंदर मर्ज भी हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हल्का सा कर्व के नीचे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद F6 दबाएंगे, जेम ऑन सरफेस, ठीक है, ये लिया हमने, एक हमने स्टोन यहाँ पे लगाया, एक स्टोन हमने यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा आगे करके एक स्टोन हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, उसी तरह से एक स्टोन हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, दूसरा स्टोन हम लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे, और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, कटर लगाना चाहें कटर लगा दें, ना लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी, है कि ज़रूरत नहीं है कटर की, लेकिन लगाने तो हैं, लेकिन आर पार नहीं करने, कटर यहाँ लगेंगे लेकिन हम इसको आर पार नहीं करेंगे, मतलब आर पार से मतलब बिल्कुल जो हम सरफेस के पार नहीं करेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और इसकी हाइट मज़ीद कम की, ये चीज़, ठीक है, और राइट क्लिक, उसके बाद सेलेक्ट कंट्रोल बी, फिर ये कटर और राइट क्लिक। अब हमारे नगीन देखें रिलीज करके देखते हैं, ये हमारे पास जगह बन गई, ठीक है, कंट्रोल जी करा सर, ये सरफेस की F6 प्रॉन्ग ऑन सरफेस। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना है 0.45, याद रखिएगा जब 1 mm का आपके पास वो हो, क्या नाम है, स्टोन, तो उसके ऊपर आपने 0.4 या 0.45 का जंग लगाना, इससे कम नहीं लगाना या इससे ज़्यादा नहीं लगाना। 0.65 इसकी हाइट रख दी, 0.15 इसका ड्रॉप, और 0.45 प्रॉन्ग की मोटाई हो गई। अब एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और दूसरा यहाँ पर, उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे आ जाएगा हमारा, फिर एक हमारा यहाँ पर, एक हमारा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर ऐसे। अब ये आ गए हमारे पास, इसको हम करेंगे यहाँ से, सॉरी इसको बंद करेंगे, इस पर राइट क्लिक, इसको किया ग्रुप, फिर इसको सेलेक्ट करके ग्रुप, और इसको ये वाला कलर दे दिया। अब इस दोनों को हमने यहाँ से अनसेलेक्ट करके ये ग्रुप कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ा और इसको हम इधर ले आते हैं ऐसे इस जगह पर। अब हमने इसको यहाँ से बंद करना है, इसको यहाँ से बंद करते हैं। अब इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, सेकंड विंडो, ये है अरे लीनियर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 20 या 19 लिख देते हैं, एंड सॉरी ये 2020 नंबर, या खाली 19 लिखना है, मैंने 219 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ हमने इसको ऐसे शिफ्ट दबा के इसको यहाँ पे ऐसे इस जगह पे ऐसे यहाँ पर रखा, थोड़ा सा फासला देके यहाँ रखा, और इसको देखा ये कितने बाहर निकल रहे हैं, एक पीस हल्का सा हमारा बाहर जा रहा है, ये चीज़। तो अब हम इसको करेंगे प्लास्टिक, और यहाँ से इसको हम हल्का सा स्केल 1D भी कर सकते हैं, यहाँ रखा पॉइंट और इसको रखा यहाँ पर, और इसको हल्का सा ऐसे कर लिया यहाँ पर,
ठीक है, ये हल्का सा यहाँ पे आ गया, उसके बाद मूव की कमांड ली और इसको हल्का सा यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये चीज़ हमारी, ये चीज़ यहाँ पे रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, इस वाले कर को लेके यहाँ से हाइड कर देंगे इस वाले कलर के अंदर, और ये हम यहाँ से सरफेस ओपन कर लेंगे, ये ब्लू वाली सरफेस। इसको मैं ये वाला कलर देता हूँ ब्लू वाली सरफेस को। ये हमारे पास एक जो चेन है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप चेन भी बना सकते हैं और इसके चेन को अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये किस्म की आपकी चेन भी रेडी हो चुकी है। आप लोगों को ये तरीका भी पता चल गया होगा कि चेन किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। और भी मुख्तलिफ तरीके हैं इसके, वो भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी अगर जाली बनानी हो बैक साइड पे वो किस तरह से बनानी है, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा ये वाला है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाली वीडियो में जो भी होगी मैं इंशाल्लाह उसमें बता दूंगा आप लोगों को कि किस तरह से इसकी बैक पे जाली बनाई जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो काम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड विंडो में जाएंगे, यहाँ से फ्लोर लॉन्ग सरफेस लेंगे, इसको हम खोलेंगे यहाँ पर ऐसे, सॉरी इस सरफेस को, ठीक है। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ेगी हमारे सारे, ये सॉरी ये पहले इसको, और इसको हम करते हैं ग्रुप, ये हमने ग्रुप कर लिया। उसके बाद ये अरेलिनियर बार बार पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ, फ्लोर लॉन्ग सरफेस, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद राइट क्लिक। अब बेस सरफेस हमारी ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर हमने क्लिक करना बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे कि हम ये दो है पॉइंट, इस पर क्लिक किया और इधर भी इस दो वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जब तक ये हमारा अप्लाई होता है हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये हमारी जो चेन है ये अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। ये देखें कितनी स्मूथली और कितने आराम से ये अप्लाई यहाँ पे हो चुकी है। तो अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे और फिलहाल इसको यहाँ पे हम हाइड कर देंगे। और जो हमारे रैंडम भी सरफेस थी जिसके ऊपर हमने इसका स्मैच लेके इस सरफेस को बनाया है, इस सरफेस को मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा। अब ये मैंने सरफेस नीचे वाली थी, ये इसके नीचे थी, वो मैंने हाइड कर दी। जैसे ही मैंने सरफेस को हाइड किया तो जो हमारा काम था वो ऑटोमेटिक उसी जगह पे आ गया जहाँ पे हमने बनाना था। अगर मैं इसका सॉलिड का जो है स्मैश ले लेता तो जितनी भी सरफेस थी इसके अंदर वो सारी की सारी सरफेस मेरे सामने आ जाती हैं, उस पर काम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर देखें कितने आराम से हमने पहले उसकी स्क्वैश कह रहा हूँ स्मैश, यानी कि एक्सैक्ट सरफेस लिया और उसके ऊपर हमने काम ईजीली बना लिया। अब हमने इसकी चौड़ाई देखते हैं यहाँ पे कितनी है, ठीक है। या मैयर में जाके ऐसे यहाँ पे देखा तो ये इतनी 1.4 इसकी चौड़ाई है। तो इसके अंदर भी आप आराम से 1 mm का स्टोन लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो टॉपिक था, जो मेरे पास सवाल आए थे वो यही थे कि सर इस तरह की चेन बना के इस तरह के रिंग, यानी कि रिंग के ऊपर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो घाट है ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बाज़ का होता है नहीं जहन में होती कोई बात या नहीं समझ आ रही होती या नहीं पता होता कि किस तरह से इसको बनाना है, लेकिन सिंपल इजी है बहुत। जैसे मैंने आप लोगों के सामने बनाया, प्रोफाइल लेके इसको बनाया। अब देखने वालों के जहन में, यानी कि सुनने वालों के जहन में सवाल तो बहुत से आए होंगे कि ये ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि इतनी सी बात किसी को नहीं पता कि प्रोफाइल लेके ये बना सकते हैं, लेकिन भाई ये बात हकीकत है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी हमें खुद को भी नहीं पता होती कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है ये एक समंदर है, सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इतनी कमांड है कि मैं कोई भी इसको पूरा अभी तक नहीं जज कर पाया। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इतनी छोटी सी कमांड है और इसकी ये चीज़ नहीं पता। मैं कहता हूँ जो इंसान सीखता रहता है, जिसको नहीं पता होता, जो सीखता है ना दुनिया में वही तरक्की करता है। हर चीज़ इंसान को रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं काम सीख चुका हूँ। इस दिन इंसान ने ये सीख लिया, सोच लिया ना कि मैं काम सीख गया हूँ, उसके बाद वो दुनिया में कुछ नहीं सीख सकता। जो इंसान बार 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 सबक सीखता रहता ना, वही इंसान तरक्की करता है, वही बहुत कुछ सीखता है। मैंने भी इसी तरह से, यानी कि सीख सीख के ही सीखा, रोज़ाना गलतियाँ करी, गलतियों से ही अपने सीखा है और यहाँ तक आज अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचाया। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, तो ये थी आज की हमारा टॉपिक और ये थी हमारी आज की क्लास। और उम्मीद करता हूँ उन लोगों के जहन में जो क्वेश्चन होंगे, जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा था, वो भी सारे क्लियर हो चुके होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों के जहन फिर भी कोई सवाल हो तो आप दोबारा मुझसे आज भी पूछ लीजिएगा। मैं जो भी होगा कोशिश करूँगा, जो भी इससे बेहतर हो सकेगा इससे बेहतर आपको समझा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।